हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटेक कैप्सूल्स के बारे में, बात करने वाले हैं, जानेंगे पूरी जानकारी इसी वीडियो में इन कैप्सूल्स के बारे में, आखिरकार ये किस चीज़ में आपके काम आते हैं और आप इसके डोजेस किस तरीके से ले सकते हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास जो है वो है रिटेक कैप्सूल्स हैं, जिसमें आपको एक स्ट्रिप इस तरीके की ये स्ट्रिप मिलती है। कैप्सूल भी देख सकते हैं, ब्लैक कलर के आपको सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके, तो देखिए ये डिब्बा है इसका। तो इसमें आपको जो कॉम्पोजिशन साल्ट जो दवाई देखने के लिए मिलती है वो मिलती है फॉलिक एसिड, जिंक और फेरिस आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। देख सकते हैं फेरिस और फॉलिक एसिड और जिंक आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। तो ये जो साल्ट कॉम्पोजिशन जो दवाई है, ये जो काम करती है आपकी बॉडी में, ये करती है जैसे कि आपकी बॉडी में आयरन की जो कमी हो जाती है, मतलब कि आयरन की कमी हो जाती है, आयरन से ही जैसे आपकी बॉडी में कमी होती है तो ब्लड भी कम होने लगता है। तो ये आपकी बॉडी में ब्लड को ग्रो करेगा, आपकी बॉडी में खून की मात्रा को बढ़ाएगा। जैसे कि आपको खून की कमी आपकी बॉडी में, तो ये आपकी बॉडी में खून को बढ़ाएगा। और ज़्यादातर डॉक्टर इस जो मतलब इस कैप्सूल्स को ही नहीं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर डॉक्टर इस कैप्सूल को देते हैं, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर जो देंगे आपको उसमें फॉलिक एसिड जिंक ज़रूर मिलेगा। आपको ये नहीं मिले, बेशक किसी किसी में ये बहुत ही कम दिया जाता है साल्ट, लेकिन आपको ज़्यादातर फॉलिक एसिड और जिंक ज़रूर देंगे। जिस जो टैबलेट या कैप्सूल या सिरप आपको डॉक्टर ने ब्लड बढ़ाने के लिए दी होगी उसमें आपको ये दो साल्ट ज़रूर मिलेंगे, ये भी आपको मिल जाता है। तो ये जो साल्ट है मैंने आपको बताया आपके खून बढ़ाने में काम आता है। आप इसको कभी भी खा सकते हैं, जैसे कि आपको जैसे खून आपको लगता है कि खून की कमी है, कि इसका कोई मतलब कि ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है ज़्यादा बड़ा, कि आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। आपको लगता है कि आपके शरीर में खून की कमी है बिना डॉक्टर की ज़्यादा एडवाइस के बिना। ओके, तो इसको आपको किस तरीके से खाना है, इसको जो खाना है एक कैप्सूल जो है इसके अंदर, वो आपको रात में दूध के संग सोने से पहले खा सकते हैं। और अगर आपको मतलब कि ऐसा लगता है ज़्यादा अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है तो आप इसको सुबह शाम भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक टाइम खाते हैं तो आप रात में ही खाइए, क्योंकि रात में आपकी बॉडी रेस्ट पर होती है। तो उस टाइम पर ये जो कैप्सूल्स होते हैं या सीरप्स होते हैं मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स की, वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं नाइट के टाइम, क्योंकि आपकी बॉडी उस टाइम रेस्ट कर रही होती है। ओके।